अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास सिक्स। फागुन का सावन जागरूक का कविता है, उस कविता का ये वीडियो है फागुन का सावन। इस भी कविता में ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है। इस कविता में कवि असमय हुए जो बिन मौसम का बरसात होता है उसका आनंद लेते हुए कविता की रचना की गई है। फागुन के महीने में हुए वर्षा, फागुन के महीने में जब वर्षा होती है तो धरती में एक सुगंध, एक खुशबू फैल जाती है, महकता है पूरा धरती, हर तरफ खुशहाली आ जाती है। फूल पत्ते फूल भी खिलने लगते हैं, बाग में जो डालियाँ, पेड़ की जो डालियाँ होती है वो भी झूमने लगती हैं, और हर तरफ ऐसा लगता है कि बरसात हो गई है और लोग सावन का गीत, ऐसा लगता है सावन का महीना आ गया है। ठीक है, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। आज फागुन का सावन जो है, फागुन के महीने में जिस महीने बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, बिन मौसम जो बरसात होती है उसमें कहा गया है सावन का महीना जो है उसमें बहुत बरसात होती है। हिंदी कैलेंडर का सब महीनों के नाम है। ठीक है, तो फागुन के महीने में आज कहाँ से आ गया सावन का महीना। सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल बसंती, रातों में बरसा किन आँखों का जल, पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन का सावन। सुबह उड़ी थी धूल, मतलब सुबह जो है धूल उड़ रही थी, शाम को बादल घिर आए हैं, बसंती रातों में बरसा, वसंत का जो महीना है वो वसंत का जो महीना, उस रात में पानी बरस रहा है, किन आँखों का जल, मतलब पानी ऐसा बरस रहा है, लग रहा है किन आँखों का जल है। पतझड़ की नंगी डालों में पुलक उठा यौवन, और पतझड़ का महीना और ऑटम सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस महीने में ऐसा लग रहा है कि डाल जो है पूरा, पतझड़ के महीने में क्या होता है, नंगी डालों, मतलब डाल से तो फूल जो पत्ते जो है पतझड़ में सारे पत्ते पेड़ के गिर जाते हैं, तो पतझड़ के महीने में सारे डाल के पत्ते जो है सारे गिर गए हैं, और उसका जो यौवन जो शरीर है उसका, पेड़ का जो शरीर है वो खुश हो रहा है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। आज फिर कहाँ से फागुन के महीने में सावन का महीना, बरसात इस तरह से हो रही है कि ऐसा लग रहा है सावन का महीना आ गया है। सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा पावन, गमक उठा उपवन, बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिरहर। सौंधी सौंधी मतलब जो धरती पे जो सौंधी मिट्टी में जब पानी की बूंद पड़ती है तो एक सौंधा खुशबू आता है, अच्छा वाला खुशबू जो आता है, भीनी भीनी सी खुशबू जो आती है, वही धरती से मिट्टी में पानी गिरने के बाद वो खुशबू आ रही है। गमक उठा उपवन, उपवन जो है सारे जो वन जो है, बाग बगीचे जो है, चमक उठे हैं। बिजली कौंधी आसमान में धरती में सिरहर, और बिजली का कंपन आसमान, बिजली चमक रही है आसमान में, और धरती भी जो है, पूरी धरती जो उससे क्या हो रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है पूरा धरती उससे। होली में कजली गाने को फिर ललचाया मन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन का सावन। और होली में बरसात में गया जाने वाले जो गीत गाते हैं कजली, उसको बरसात में जो गाए जाते हैं गीत, वो गाने का कवि का मन कर रहा है कि आज कहाँ से फिर, कवि कहते हैं कि आज फिर कहाँ से फागुन के महीने में सावन का महीना आ पहुँचा है। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगे पुतलियों में, अलियों का उन्माद की सोखी आई कलियों में। हरियाली का जो सपना जो था, थिरकने लगे पुतलियों में, उन आँखों की पुतलियों में जो है वो थिरकने लगे हैं, नाचने लगे हैं। अलियों का उन्माद, भंवरों का, अलियों मतलब भंवरा, ठीक है, फूल में जो भंवरे मंडराते हैं उन लोगों का पागलपन की शोखी, उन्माद मतलब पागलपन, भंवरों का पागलपन देखो कि शोखी आई कलियों में, कि वो चंचल हो रहे हैं, चंचल होकर कली में, कली के आसपास मंडराने लग रहे हैं। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धर रस घन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन का सावन। गर्मी की तपन से जो हुआ, जो तुम्हारा जो शरीर में जो जीवन धन रस जो हो गया था, गर्मी से जो तुम परेशान थे, वो क्या हो रहा, पानी की बूंद जो है उसे शांत कर दी है,
गर्मी से सारा कुछ परेशान हो गया था तुम लोग, पेड़ पौधे उपवन हर जगह, हर जगह गर्मी छा गई थी और जो हर कोई परेशान था। पानी की बूंद जो है आज उस पर गिर के क्या हुआ है, सबको शांत कर चुका है। आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन का सावन, और ये फागुन में कहाँ से आज सावन का महीना जैसे बारिश होने लगी। फागुन में सावन मतलब फागुन का महीना में आज कहाँ से सावन जैसी बारिश होने लगी है। ठीक है, तो ये शिव मंगल सुमन जी की कविता है फागुन में सावन। ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग भी दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और चैप्टर को, इस कविता को अच्छे से रीड कीजिएगा और वीडियो देखिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज होगा तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, एंड होपफुली आप लोग को ये पोएम समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज होगा तो ऑनलाइन क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। इस कविता का सारांश हम लोग करेंगे ऑनलाइन क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।